हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कढ़ाई पनीर मखनी की रेसिपी, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, ताकि हर कोई इसे घर पे बना सके। इसमें आपको कढ़ाई पनीर का भी टेस्ट मिलेगा और पनीर मखनी का भी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 400 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 मीडियम साइज प्याज मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ते के डंठल लिए हैं, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, ये बड़ी लहसुन की कलियाँ हैं। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लें। 1 इंच अदरक मैंने लिया है, इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। और मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 2 मैंने देसी टमाटर लिए हैं और 2 हाइब्रिड वाले, ताकि फ्लेवर बैलेंस्ड रहे। अगर आप देसी टमाटर ले रहे हैं तो उससे खट्टापन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। 1 प्याज को मैंने क्यूब्स में कट कर दिया है और उसे इस तरह से सेपरेट कर दिया है, ताकि उनके बल्ब्स इस तरह से अलग अलग हो जाएं। इस तरह से मैंने सबको अलग अलग कर दिया है। 1 शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। 25 मैंने काजू लिए हैं और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती इस तरह से बारीक कट कर लिया है। 1/2 कटोरी मैंने फ्रेश क्रीम ली है, आप चाहें तो मार्केट का ले सकते हैं। साबुत मसाले में 6 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है। इसके बाद एक पैन को प्रीहीट कर लेंगे। इसमें मैं करीब 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं। मैं इस टाइम ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। इसके बाद जब तेल गल भी चुके हैं अच्छे से, तो मैं ग्राइंडर जार में इसे डाल ले रही हूँ और साथ में मैं डाल रही हूँ धनिया के जो
लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे इस तरह से मिक्स कर लें ताकि आपका मिर्च जले नहीं और काफ़ी अच्छा कलर आ जाए। अभी इस तरह से मिक्स करने के बाद देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब जो हमने ग्राइंड किया था पेस्ट वो उसमें ऐड कर देंगे। एक स्पून की हेल्प से जो भी ग्राइंडर में आपके मसाले लगे हैं वो वापस निकाल के आप इसमें डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा रेस्टोरेंट जैसा कलर आ चुका है। तो अब इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। पहले ग्राइंडर में काफ़ी ज़्यादा मसाले लगे होते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के आप वापस इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। करीब 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इसे अच्छे से चला लें। मैंने यहाँ पे फ्लेम लो रखा है क्योंकि ये जो मसाले हैं काफ़ी छीटे उड़ता है तो मैं इसे धीमी आंच पे ही फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से तेज आंच करेंगे तो बहुत ज़्यादा छीटे उड़ते हैं तो आप लो फ्लेम पे इसे फ्राई करते रहें। इस तरह से जैसे जैसे आपका मसाला भुनेगा इस तरह से साइड से तेल छोड़ना शुरू कर देगा। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आप मार्केट का क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच डालें। मैंने घर का क्रीम यूज़ किया तो ये काफ़ी थिक है, मार्केट का थोड़ा सा पतला रहता है तो आप 4 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से इस तरह से चला लें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। अब मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है तो उसमें मैं प्याज, पनीर और शिमला मिर्च को डाल दूंगी। आप और ऑयल या बटर ऐड करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसमें ऐड कर लें। अभी देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। आप शिमला मिर्च, प्याज की क्वांटिटी और बढ़ाना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अभी ये काफ़ी थिक है।